हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फाइल से एक और डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी और इजी बनने वाले डिज़ाइन है और काफ़ी छोटी डिज़ाइन है। ये देखिए, मैंने इसको अपने हैंकी में भी बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो दो फ्लावर के बीच में एक ये रिंग बनाया हुआ है, ये काफ़ी छोटा है, 3 डबल स्टिच का, जबकि मैंने अपनी फाइल के पेपर में जो बनाया है वो 5 डबल स्टिच का बनाया है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा रिंग बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने अपने शटल पे थ्रेड भर लिया है। सबसे पहले 5 डबल स्टिच। यहाँ पे मैं सिंगल कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डबल कलर से भी बना सकते हैं। फाइव डबल स्टिच, 1 पिकॉन, 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉन, 1 पिकॉन और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये एक रिंग कंप्लीट हो गया, थ्रेड खींच देते हैं। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करते हैं। फ्लिप करके नीचे गोले के धागे को लपेटते हुए शटल से बनाते हैं। गोले के धागे से बनाया 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 1 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 1 डबल स्टिच और 1 पिकॉट। इस तरह से मैंने ये 3 पिकॉट्स बनाए। अब हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच। फ्रेंड्स, जिन लोगों को शटल चलाना आ गया वो इजीली से बना सकते हैं। जिन्हें शटल चलाना नहीं आता है अभी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा शटल फॉर बिगनर्स का लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो से आप शटल चलाना सीख सकते हैं। ये कंप्लीट होने के शटल के धागे से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। बिल्कुल क्लोज ले जाकर गैप मत छोड़िएगा। 5 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम अपने इस रिंग के पिकॉर्ड से इसको अटैच कर देंगे। अब फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए। थ्रेड को खींच दीजिए। ये हमारा स्मॉल रिंग बन गया। ये रिंग बनने के बाद हम इसी से लगाते हुए एक रिंग और बनाएंगे स्मॉल, 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का। तो बिल्कुल क्लोज ले जाइए। यहाँ से 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें बीड्स भी डाल रही हूँ। सुई की हेल्प से हम इसके थ्रेड में बीड्स को पास कर देते हैं। अब इसमें फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए। थ्रेड को खींचिए और एक छोटी सी लीफ बनाइए।
अब अपना थर्ड रिंग बनाना है हमको इसी से लगाते हुए 5 डबल स्टिच। पूरी डिज़ाइन हमारी 5 डबल स्टिच पे बनी है। गॉट अगेन 5 डबल स्टिच। थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए हमारा 3 लीव्स का छोटा सा फ्लावर बन गया। अब अपने डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से हम गोले के धागे को लपेटेंगे। और शटल की हेल्प से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। बिल्कुल पास में ले जाकर वन पिकॉट वन डबल स्टिच वन पिकॉट अगेन वन डबल स्टिच और वन पिकॉट। इस तरह से 3 पिकॉट हमें बनाने हैं। अब 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। अब हम फिर से 5 डबल स्टिच का ये पहला वाला बड़ा रिंग बनाएंगे इस फ्लावर से अटैच करते हुए। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद इस फ्लावर की पेटल से इस पिकॉट से हम अटैच कर देंगे। अगेन 5 डबल स्टिच। वन पिकॉट फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट कंप्लीट हो गया। और अपना थर्ड खींच दीजिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन एक मोटिव कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद फिर से नीचे सेमी सर्कल बनाएंगे 5 डबल स्टिच 3 पिकॉट और 5 डबल स्टिच। ये देखिए हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से हम अपना ये फ्लावर वाला मोटिव कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 5 डबल स्टिच बनाना है हमें। फाइव डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इसे रिंग से अटैच कर देंगे 5 डबल स्टिच। थ्रेड खींच दीजिए।
और फिर से 5 डबल स्टिच का सेकंड रिंग बनाइए पास में ले जाकर। अब इसमें बीड्स डालिए, निडल की हेल्प से मैं बीड्स डाल रही हूँ। अब फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए, थ्रेड खींच दीजिए, ये हमारा सेकंड रिंग बन गया। 5 डबल स्टिच का एक थर्ड रिंग बनाकर इस फ्लावर को कंप्लीट कीजिए। फिर से 5 डबल स्टिच, थर्ड रिंग भी कंप्लीट हुआ, थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारी 3 पेटल्स बन गई। अब फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, फ्लिप करने के बाद गोले के धागे को लपेटते हुए शटल से बनाइए 5 डबल स्टिच, 3 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का एक सेमी सर्कल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकेंड फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से शटल के धागे से ये बड़ा वाला रिंग, ये देखिए हमारा एक मोटी पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप दोस्तों कि ये डिज़ाइन आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।